पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को यूएन में सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए सुषमा ने कहा कि जो लोग दूसरों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और वे खुद वहाँ क्या कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके अपने घर शीशे के बने हों, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सुषमा ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और पाकिस्तान उसे छीनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। उन्होंने ऐसे देश को अलग थलग करने के पुरजोर वकालत की जो आतंकवाद की भाषा बोलता हो। सुषमा ने कहा कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो भी आतंकवाद, और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद का। आतंकवादियों को पालना उनका शौक बन गया है। ऐसे शौकीन देशों की पहचान करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत पर बातचीत के लिए पूर्व शर्त लगाने के पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उसने इस्लामाबाद के साथ किसी शर्त के आधार पर नहीं बल्कि दोस्ती के आधार पर बातचीत शुरू की, लेकिन इसके बदले पठानकोट मिला, उरी पर आतंकी हमले के रूप में बदला मिला। बिल्कुल आतंकवाद की भाषा बोलने वाले पाकिस्तान को विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है। वहीं पाकिस्तान ने सुषमा के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया है, लेकिन झूठ कौन बोल रहा है ये तो दुनिया जानती है। देखते रहिए टीवी लाइव।